ई दीदी कर खेत में समस्या होए हो सेले तोर थी ना आई हमिन। का समस्या हो है दीदी? है ना दीदी, हमार आलू के फसल में ना कीड़ा लग जा है, तो का दवाई करबे से ले तो के पूछे आए। ई दवाई ले तो 5-6 सामान कर जरूरत पड़तो, ई गांवे घर में मिल जातो। कुछ सामान हमार जगन है, कुछ सामान तो के लाने पड़तो। हाँ दीदी, हमिन मीटिंग बैठ रही और चर्चा हो रही हिंग वाला दवाई तो नहीं। हाँ दीदी, वही दवाई। सबसे पहले एक बाल्टी लग तो 20 लीटर पानी, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 100 ग्राम चूना, 150 ग्राम हींग, एक सूती कपड़ा और एक डंटा और ये सब सामान एक एकड़ खेती के लिए दवाई बना के ले हो जाते। अब तब आप बना के शुरू करी ला। सबसे पहले 20 लीटर पानी डाल दे। अच्छा, पानी तो डाल दिले दीदी, उसके बाद में का डाले खाओ? इकर बाद ही पानी में अखन गोबर डाल भाई। अब इकर में 5 लीटर गौमूत्र भी डाल भाई। इकर में अखन मिला ले भाई सबके और 4 दिन तक हमीन के साड़े ले छोड़ दे भाई। इके गोबर और गौमूत्र जो डाल ही तो अच्छी तरह पानी में मिल जातो और इकर में जीवाणु अधिक मात्रा में बढ़ जातो। अब हींग के डाल भाई। अब इके अच्छा से मिला दे भाई। हाँ, ये चुनाव के डाल भाई। अब इके अच्छी तरह मिला दे भाई। अब इके सूती कपड़े से छान ले भाई। अच्छा दीदी, तो इके काले छाना थे? इके सहेले छाना थी कि गौमूत्र और गोबर में कचड़ा रहो लो तो एक्सप्रे करे ले आसानी हो, तो जिससे कि मशीन में कुछ कचड़ा से ना फंसो के गई। ये दवाई के जमीन से नीचे बैठे वाला फसल में छिड़काव करबे, जैसन आलू, प्याज, टूटी, पेचकी, ईमन में छिड़काव करे है। तो रोशनी, सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़तो और पौधा जलकर मरकर अधिक संभावना रहतो, सेले सुबह और शाम ही डालें। ई वाला दवाई के 4 सप्ताह तक रख सकीला और अलग अलग फसल में भी छिड़काव कर सकीला। 2.5 लीटर गोबर हिंग दवाई के 100 लीटर पानी में मिला के एक एकड़ जमीन में छिड़काव करे है। गोबर हींग दवा एक जैविक कीटनाशक है जो घर के ही सामान से आसानी से बन जाता है।